अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑसम फूड्स। मैं हूं आपका दोस्त सागर सिंह और इस उम्मीद के साथ आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले ज़रा लेंस की डस्ट साफ कर। ओहो, तो बैकग्राउंड चेंज हो गया है। आवाम की पुरजोर फरमाइश में आए हैं रईस अहमद आ रहे हैं स्टैंडर्ड बिरयानी, जहाँ का रईस पुलाव बहुत मशहूर है। तो आज हम वो खाएँगे और आपको दिखाएँगे। रसीली जूसी बिरयानी। अच्छा तो गाइस, राइस स्टैंडर्ड बिरयानी का जो मेन आइटम है ना, वो होते हैं बिरयानी, पुलाव और इनका हलीम। ये तीनों चीज़ें हमने ऑर्डर की हैं और अब जैसे ही आते हैं हम आपको खाकर बताते हैं कि क्या। आप कितने अरसे से रईस बिरयानी पे काम कर रहे हैं? तकरीबन 24 साल हो गए हैं। 24 साल? और रईस बिरयानी कितना पुराना है? बहुत पुराना है भाई। सही, बहुत पुराना मतलब तकरीबन 30 साल तो हो गए। 30 साल? आ जाए इधर। किस तरह से निकाल सकते हैं आप? बीफ बिरयानी है ये इनकी, बता दे। बीफ बिरयानी बहुत ही ज्यादा मसाले वाली लग रही है मुझे। अभी तो भैया फुल गीली बिरयानी, फुल ऑन रसीली जूसी बिरयानी जिसे कहते हैं ना, वो बिरयानी है। अगर आप पुलाव में भी देखें तो फुल ऑन जूसी रसीला पुलाव है, शाइन आपको दिख रहा होगा। ये घी का निकाल रहा हूँ किसी का, और ये रसीला निकाल रहा हूँ। इसमें नॉर्मली मसाला कैसा होता है पुलाव में? पहले पत्ते बनाइए वो वाला, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये वाला सही, ये है नॉर्मल पत्ते, और ये हो गया रसीला और मसाले वाला, ये रवाज़ की बोटिया होगी। बेहतरीन, और जो दरमियाना खाता है मसाला, वो ये रहा, ये है दरमियाना मसाले वाले। हर एक के लिए अलग हिसाब है जी। बेहतरीन, जैसे दिमाग में वैसी बना के पूरी करते हैं। ये डबल वाले भाई आपके पास है? जी, हमारा ऑर्डर आ गया है। सही है, तो एक एक करके चीज़ दिखाते हैं। ये है इनका पुलाव। ओए ओए, रसीला बिल्कुल शाइनिंग पुलाव है। अब इसकी बिरयानी दिखाते हैं। ये बीफ बिरयानी है और अकॉर्डिंग टू देम ये जो है वो बछिया का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। रोज़ाना फ्रेश बछिया कटती है
जैसे आपने गोश्त के शॉट्स भी देखे होंगे, रोज़ाना फ्रेश बछिया कटती है और उसका ये जो है वो बनता है। चले, और ये जो है ये आइटम है, ये भी बहुत ही, ये हलीम है, थिक हलीम है फुल। चले तो हम शुरू करते हैं पुलाव से, क्योंकि पुलाव की जो है वो हाइप से ही हम यहाँ पे आए हैं। तो ये बिरयानी, ये पुलाव का कुछ लुक एंड फील है। आप सिर्फ शाइन चेक करें, आपको रोटी चेक करवाते हैं। ओए होए, बिरयानी की रोटी आप सिर्फ चेक करें, सिर्फ चम्मच रखें, रोटी अलग, एक और रोटी है। ज़ूमिन करें इस पर तो देखें, फुल जैसे फ्रेश मीट, पिंक बछिया का गोश्त जैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही है। चले बाइट लेते हैं। रोटी, चावल, मिलाए रहा मुंह में जाते ही फ्लेवर्स का ब्लास्ट। ना ही ज्यादा स्पाइसी है और ना ही ज्यादा माइल्ड है। मतलब एक पुलाव में जो यखनी का फील आता है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो इसके अंदर मौजूद है। सबसे बेस्ट पार्ट जो है ना, ये है रोटी। रोटी इतनी सॉफ्ट है कि मुंह में जाके आपको पता नहीं चलेगा कि ये आप चावल खा रहे हैं या रोटी उसके बीच में आ गई, बस उसका टेस्ट आएगा। नो डाउट इसकी राइट, इसकी जो हाइप है वो बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड, ये रिकमेंडेड है 100%। जरा बिरयानी ट्राई करते हैं। अच्छा, बिरयानी यहाँ से अगर हम देखें ना, तो आपको शाइन एक नज़र आएगी, शाइनी बिरयानी मुँह निकल रहे हैं इसमें से। रोटी मेरे पास है इसकी भी, ओ अगर आप देखें, रोटी पे मैंने मुँह किया और चम्मच नीचे चला गया, इसका मतलब है कि मीट जो है वो फुल्ली टेंडर है। इनकी बिरयानी भी मैं कहूँगा इनके पुलाव से कम नहीं। इसके राइस देखे, खिले खिले चावल है, बिल्कुल अलग अलग चावल, जैसे रसीली बिरयानी, जूसी बिरयानी कहते हैं, फुल जूसी है। एक और बाइट लेते हैं, क्योंकि एक बाइट में आप पूरा एंजॉय नहीं कर सकते, आपको एक दो प्लेट से पूरा मजा आएगा। ऑसम बिरयानी, ऑसम बिरयानी, हलीम को देखते हैं। हलीम का कुछ लोगों को उसमें नींबू पहले से पसंद होता है, तो हम जरा दोनों तरीकों से ट्राई करेंगे, एक नींबू वाली बाइट लेंगे और एक बिना नींबू वाली। आप हलीम देखें, बेहतरीन फुल थिक हलीम है। हलीम अच्छा है, लेकिन
लेकिन बिरयानी और पुलाव के कंपैरिजन में नहीं है। और नींबू डाल के कट करते हैं, और पुलाव मस्ट ऑर्डर है। अलीम आपकी मर्जी, अलीम मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा, अच्छा है लेकिन बिरयानी और पुलाव जितना अच्छा नहीं है। हम इसको फिनिश करते हैं, आगे आपसे तो हमने अपना फूड कंप्लीट कर लिया है और फूड हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बिरयानी और पुलाव खास करके बहुत अच्छे थे। और फूड के साथ साथ आपको यहाँ या यहाँ आपको रेटिंग मिल जाएगी और प्राइस वगैरह की डिटेल्स भी मिल जाएंगी। आप यहाँ पर आकर हम व्लॉग को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स में सजेशंस दें कि हम नेक्स्ट टाइम क्या खाना खाएं और क्या आपके आसपास कौन सी मशहूर चीज़ है वो हम खाएँ। और वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। Yeah, I don't know.